गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। चलिए आज हम सभी बच्चे हिंदी पढ़ेंगे। आज हम आपको हिंदी पढ़ाएंगे। तो आपकी ये बुक है हिंदी की अनायास राष्ट्रभाषा हिंदी की पाठ्य पुस्तक। चलिए सभी बच्चे आज हम क्या पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे। तो आप अपनी हिंदी की बुक ओपन कर लीजिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम विषय सूची। देखिए विषय सूची पर देखिए, सबसे पहले देखिए ये आपका हाफ ईयरली में 15 तक आ रहा था, लेकिन हमने PA2 में कर दिया। अभी ये टू चैप्टर्स आपके हमने PA2 में कर दिए, लेकिन हमने आपका हाफ ईयरली में 13 तक वर्क कराया, वर्क रखा है आपका, ठीक है। सभी बच्चे कहाँ तक रखेंगे, करेंगे वर्क 13 तक। तो हमने आपका हाफ ईयरली 13 तक कर दिया है, ठीक है, पार्ट 13 तक। देखिए 14 और 15 हमने PA2 में कर दिया है आपका वर्क, ठीक है। हम PA2 में आपको ये पढ़ाएंगे 14 से, ठीक है। देखिए आज हम आपको पार्ट 10 हमने आपको ये पढ़ाया था छोटे ए की मात्रा वाले। अब पार्ट 11 में हम आपको बड़े ए की मात्रा वाले शब्द बताएंगे। देखिए आपका लिए है पार्ट 11, ठीक है। पेज नंबर देखिए, पेज नंबर है 31। पेज नंबर कितना है, 31। सभी बच्चे पेज नंबर ओपन करिए 31। देखिए पेज नंबर आपका 31। देखिए बड़े ए की मात्रा, ठीक है। बड़े ए की मात्रा की पहचान क्या करनी है, आज हमें बड़े ए की मात्रा की पहचान करेंगे और पढ़ेंगे भी। यह आपका चैप्टर 11 है, ठीक है। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे पार्ट 11, यहाँ डेट शो करेंगे जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी, ठीक है। पढ़िए और समझिए, क्या करना है, पढ़ना है हमें और समझना है। देखिए माँ प्लस माँ पर क्या कौन सी मात्रा लग रही है, ये बड़े ए की, तो क्या हो जाएगा मैं। सा प्लस बड़े ए की मात्रा से, ता प्लस बड़े ए की मात्रा इक्वल तय, ना प्लस बड़े ए की मात्रा इक्वल ने, भा प्लस बड़े ए की मात्रा इक्वल भय, था प्लस बड़े ए की मात्रा इक्वल थे, ठीक है। किसकी मात्रा है, ये बड़े ए की मात्रा है, ठीक है। नीचे देखिए ये पिक्चर, देखिए पिक्चर किसकी है, ये बैल की है, तो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। बा प्लस बड़े ए की मात्रा प्लस ला, क्या हो जाएगा इक्वल बैल, बैल। पा मा प्लस बड़े ए की मात्रा प्लस ना प्लस आ का डंडा इक्वल क्या हो जाएगा मैना। किसकी पिक्चर है, ये मैना की, तो मैना। था प्लस बड़े की मात्रा प्लस ला बड़े प्लस आ का डंडा इक्वल क्या हो जाएगा थैला। किसकी पिक्चर है, ये थैले की, तो ये थैला, ठीक है। या देखिए बोलकर पढ़िए, क्या करना है हमें, पढ़ना है। सा पर बड़े की मात्रा रा सैर, चा बड़े की मात्रा ना चैन, गा बड़े की मात्रा सा गैस, ता बड़े की मात्रा शातैश, पा बड़े की मात्रा रा पैर, हा बड़े की मात्रा जा का डंडा है जा, ना बड़े की मात्रा ना का डंडा नैना, माँ बड़े की मात्रा दा का डंडा मैदा, भा बड़े की मात्रा या का डंडा भया, डा बड़े की मात्रा ना का डंडा डैना, बा बड़े की मात्रा ला पर किसकी मात्रा लग रही है, बड़े ऊ की, बड़े ऊ ना बैलून, बा बड़े की मात्रा गा ना बैंगन, बा बड़े की मात्रा सा का डंडा खा बैसाख, ना बड़े की मात्रा छोटी की मात्रा ता का नैतिक, गा बड़े की मात्रा ला रा बड़े की मात्रा गैलरी, बा बड़े की मात्रा ला गा का डंडा ड़ा बड़ी की मात्रा बैलगाड़ी, बा बड़े की मात्रा जा ना का डंडा था बैजनाथ, पा बड़े की मात्रा माँ का डंडा छोटी ईशा पैमाइश, माँ बड़े की मात्रा ना पा पर किसकी मात्रा लग रही है, छोटे ऊ की, छोटे ऊ की मात्रा रा बड़ी की मात्रा तो मैनपुरी, ठीक है। पढ़िए और लिखिए, क्या करना है, हमें पढ़ना है और लिखना है, समझना भी है। बैजनाथ लेकर आता, बैजनाथ लेकर आता दैनिक अखबार साइकिल पर, दैनिक अखबार साइकिल पर, यानी कि बैजनाथ जो था लेकर आता, क्या लेकर आता, दैनिक अखबार,
अखबार का नाम दैनिक अखबार, ठीक है, दैनिक अखबार साइकिल पे, किस पे लेकर आता था, साइकिल पर, ठीक है। भैया सैर से पहले पढ़ते, भैया सैर से पहले पढ़ते, यानी कि सुबह सबसे पहले कौन पढ़ते थे, भैया पढ़ते थे, यानी कि सुबह होने से पहले। सैनिक समाचार बाज कर, सैनिक समाचार बाज कर, जो सैनिक समाचार होती हैं पूरे दिन भर की वो सब, ठीक है। पेज नंबर देखिए आप, आपका 32, पेज नंबर 32 ओपन कर लीजिए, सभी बच्चे ओपन करेंगे। देखिए ये भी हमारे पार्ट किसका वर्क है, 11 का, ठीक है। कैलाश, यहाँ कैलाश के बारे में बताया गया है, ठीक है। कापर बड़े की मात्रा ला का डंडा, शा कैलाश, ना पर बड़े की मात्रा, ना पर बड़ी की मात्रा, ता गंडा ला, नैनीताल। घा पर बड़े की मात्रा माँ, ना पर बड़े की मात्रा घूमने, चल। कैलाश नैनीताल घूमने, चल। भा पर बड़े की मात्रा या का डंडा, भैया। भा पर बड़े की मात्रा ला गा का डंडा, ढा पर बड़े की मात्रा बैलगाड़ी, पा र पर चाल, चल। भैया बैलगाड़ी पर चल। का पर बड़े की मात्रा ला का डंडा, शा कैलाश, व शा पर बड़े की मात्रा ला जा का डंडा, शैलजा। सा सा वा पर छोटे की मात्रा, रा पर छोटे की मात्रा, सवेरे। भा पर बड़े की मात्रा रा व भैरव, का पर छोटे की मात्रा के, सा का डंडा था साथ। मा पर बड़े की मात्रा दा का डंडा ना मैदान, गा छोटा ए गए। कैलाश व शैलजा सवेरे भैरव के साथ मैदान गए। वा पर छोटे की मात्रा वे, दा पर छोटे ऊ की मात्रा का डंडा ना दुकान, सा पर छोटे की मात्रा से, जा पर बड़े की मात्रा, ता पर बड़े ऊ की मात्रा ना जैतून, का डंडा, ता पर बड़े की मात्रा छोटे की मात्रा ला तेल, ला पर छोटे की मात्रा कार लेकर, छोटा छोटा आ आ का डंडा बड़ा ए छोटा ए सॉरी बेटा छोटा ए वे दुकान से जैतून का तेल लेकर आए, ठीक है। भा पर बड़े की मात्रा रा, वा पर बड़ी की मात्रा भैरवी, ना पर छोटे की मात्रा ने, गा पर बड़े की मात्रा सा गैस, पा रा पर ऊ, ना का पर छोटे की मात्रा उनके, छोटी की मात्रा ला ली और छोटा ए लिए, चा का डंडा या चाय, ता पर बड़े की मात्रा या का डंडा रा तैयार, का पर बड़े की मात्रा की भैरवी ने गैस पर उनके लिए चाय तैयार की, खा पा रा पर बड़े की मात्रा ला खपरेल, पा रा पर बा पर बड़े की मात्रा ठा पर बड़े की मात्रा बैठी, मा पर बड़े की मात्रा ना गड़ना मैना, का हा कह छोटा ऊ, ठा पर बड़े की मात्रा उठी, सा दा पर बड़े की मात्रा वा सदैव, सा च सच का हा कह, ठीक है, सच कह। खपरेल पर बैठी मैना, कह उठी सदैव सच कह, ठीक है। कहाँ पर बैठी मैना, यहाँ खपरेल, यानी कि ऊपर छत पर, ये इस तरीके की छत जो होती है उसे खपरेल कहते हैं। शा पर बड़े की मात्रा ताग डंडा, ना पर बड़े की मात्रा शैतानी, मात मत कारा कर शैतानी मत कर, का पर बड़े की मात्रा लाग डंडा कैलाशा कैलाश, भा पर बड़े की मात्रा या डंडा भया, ऊ सा का पर बड़े की मात्रा उसकी, बा का डंडा ता बात, सा पे बड़े छोटे ऊ की मात्रा ना सुन, कारा कर सुनकर, हा पे बड़े की मात्रा रा का डंडा हैरान ना हैरान, रा हर रह गा ए गए। कैलाश भैया उसकी बात सुनकर हैरान रह गए, ठीक है। ये कैलाश के बारे में बताया गया था, कैलाश नैनीताल घूमने चल, भैया बैलगाड़ी पर चल, कैलाश व शैलजा सवेरे भैरव के साथ मैदान गए, वह दुकान से जैतून का तेल लेकर आए, भैरवी ने गैस पर उसके लिए चाय तैयार की, खपरेल पर बैठी मैना कह उठी सदैव सच कह, शैतानी मत कर कैलाश भैया उसकी बात सुनकर हैरान रह गए, ठीक है। ये क्या थे, बड़े की मात्रा के शब्द थे, ठीक है। इसमें बड़े की मात्रा के शब्द थे, अच्छे तरीके से पढ़िएगा बेटा सभी। देखिए वैभव,
किसके बारे में बताया गया है? वैभव के बारे में। वा पर बड़े की मात्रा भा व वैभव, सा पर बड़े की मात्रा छोटी ही, ना का सैनिक, बा पुराना पुराना, ना आकडंडा बनना, चा आकडंडा हा, ता आकडंडा चाहता, हा पर बड़े की मात्रा है। वैभव सैनिक बनना चाहता है। वह वह, माँ पर बड़ी की मात्रा दागडंडा मैदान, का पर बड़ी की मात्रा की, सा पर बड़ी की मात्रा रा सैर, का रा तागडंडा करता, हा पर बड़ी की मात्रा है, वह मैदान की सैर करता है। शा पर बड़ी की मात्रा शैला, जा गडंडा शैलजा, ऊषा, का पर बड़ी की मात्रा की उसकी, बह न बहन, हा पर बड़ी की मात्रा है, शैलजा उसकी बहन है। किसकी बहन है? वैभव की। शाप बड़े की मात्रा शैला, जा करंडा शैलजा, वाप बड़ी की मात्रा वै वा भा वा वैभव, काप बड़े कापे छोटी की मात्रा कै, सा करंडा था सात, बाप बड़े की मात्रा ला, गा करंडा, लाप बड़ी की मात्रा बैलगाड़ी, साप छोटे की मात्रा से, माँ पे छोटे की मात्रा ला करंडा मेला, घा पर बड़े ऊ की मात्रा माँ, ना पे छोटे की मात्रा घूमने, गा बड़ी ई गई, शैलजा वैभव के साथ बैलगाड़ी से मेला घूमने गई। वा पे बड़े की मात्रा भा व वैभव, का पे छोटी की मात्रा के, पा का डंडा सा पास, पा पे बड़े की मात्रा ना का डंडा मैना, हा पे बड़े की मात्रा वैभव के पास मैना है। ई छोटी ई, सा पे बड़े की मात्रा सा पे छोटी की मात्रा इसे, वा पे बड़े की मात्रा वै भा वा वैभव, हा पे बड़े की मात्रा है द रा का डंडा ब द बा का डंडा द हैदराबाद, सा पे छोटी की मात्रा से, ला का डंडा या का डंडा लाया, हा पे बड़ी मात्रा है, वैभव के पास मैना है, इसे वैभव हैदराबाद से लाया है। कहाँ से लाया है? हैदराबाद से लेकर आया है वैभव। ठीक है, अब देखिए ये आपका कंप्लीट हो चुका है, आपकी एक्सरसाइज आपकी ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है अब हम। ठीक है, सभी बच्चे अच्छे से रीडिंग करेंगे पार्ट 11। ठीक है, बड़े ए की मात्रा। अब हम आपको एक्सरसाइज देखिए, ये आपकी अभ्यास कर रहे हैं, आपका एक्सरसाइज है। यहाँ पर सभी बच्चे पार्ट 11 लिखेंगे, यहाँ डेट शो करेंगे जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी। ठीक है, देखिए नीचे सबसे पहला देखिए, चित्र देखकर सही जगह पर बड़े ए की मात्रा लगाइए। ठीक है, ये चित्र देखिए कि चित्र किसकी है? पैर की है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? बड़े ए की मात्रा लगाएंगे, पापर पैर। ये चित्र देखिए किसकी है? सैनिक की, तो हम यहाँ सा पर बड़े की मात्रा लगाएंगे, सैनिक। ये चित्र देखिए किसकी है? थैली की, तो हम यहाँ पर बड़े ए की मात्रा लगाएंगे, थैला। ठीक है, नीचे देखिए, उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थान भरिए। क्या करना है? रिक्त स्थान भरना है उचित शब्द छांट कर जो सही है। का सरहद पर डैश तैनात होते हैं, कौन तैनात होते हैं? फौजी, टैक्सी, बैंगन, गैस, फौजी। कौन तैनात होते हैं? फौजी तैनात होते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे फौजी। फौजी। ठीक है, दूसरा देखिए, गैस सिलेंडर में डैश भरी होती है, क्या भरी होती है गैस सिलेंडर में? गैस, गैस भरी होती है। तीसरा देखिए, बैलगाड़ी में डैश भरे थे, क्या भरे थे बैलगाड़ी में? बैंगन। बैंगन। ठीक है, चौथा देखिए, नैनीताल जाने के लिए डैश की ज़रूरत होती ज़रूरत थी, किसकी ज़रूरत थी? टैक्सी की। टैक्सी। ठीक है, ये बच्चे मैं आपको होमवर्क देती हूँ, आप खुद करेंगे इसको। ये वर्क आपका बुक पर ही रहेगा, आप नोटबुक पर वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे अच्छे से वर्क करेंगे, बिल्कुल क्लीन वर्क करेंगे। आपका ये चैप्टर पार्ट 11 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ओके, थैंक यू।